और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है और चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। वो चंडीगढ़ जहां पर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के बीच बैठक चल रही है। किसान नेताओं से बात करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की टीम अब चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों की बातचीत शुरू नहीं हुई है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए किसान नेता भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। केंद्र की ओर से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ में मौजूद है। पिछली 2 बैठकों में केंद्र सरकार किसानों की 13 में से 10 मांगे मान चुकी है। हालांकि किसान इनकार करते हैं कि सरकार ने एक भी मांग नहीं मानी है, लेकिन MSP और कर्ज माफी समेत 3 अहम मुद्दों पर बात अटकी हुई है और किसानों ने जिद रखी हुई है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। तो लगातार किसान नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे, सरकार उनकी मांगे मान नहीं रही है। इधर सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हर समस्या जो है वो संवाद के जरिए हल की जा सकती है। 2 बैठकें जो पहले किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई है वो बेनतीजा रही है, लेकिन अब आज जो बैठक होनी है उस पर सबकी नजर है कि क्या आज इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। 3 दिन से जारी किसानों का प्रदर्शन आज और उग्र हो गया। दिल्ली कूच कर रहे किसानों के समर्थन में आज BKU उग्रहा और BKU डकौंदा भी उतर पड़ा और पंजाब से गुजरने वाली ट्रेनों को रोकने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दोपहर 12 बजे भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा और BKU डकौंदा के सैकड़ों किसान पंजाब के राजपुरा रेलवे स्टेशन पर जा धमके और रेल की पटरियों के बीचों बीच बैठकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इस पास से तुसी देखो कि रेलवे लाइन है और दिल्ली अमृतसर रेलवे लाइन है, इस जगह तो ही जड़ा है पटियाला नु भी कन्वर्ट किया जाता है और काफी जड़ा है परेशानी आम लोगों को भी जिथे देखने मिल रही है। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ किसान हाथ में झंडा लिए पटरियों पर बैठे दिखे, जबकि कुछ किसानों ने रेलवे स्टेशन पर ही कब्जा जमा लिया। इस दौरान रेलवे स्टेशन के अंदर एक कार भी खड़ी दिखी। बताया गया कि किसान इस कार को जबरन अपने साथ लेकर रेलवे स्टेशन में घुसे थे, क्योंकि पंजाब से आए किसानों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इसलिए अब इस आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन भी उतर पड़ी है। चूंकि शंभू बॉर्डर पर बीते रोज किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे सैकड़ों किसान घायल हो गए, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा ने मोगा के गाँव घलकला के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोक कर विरोध जताया। यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने कुछ ही देर में 3 ट्रेनें रोक दी और सरकार को खुली चेतावनी दी। ये कार किसानों दी मुख मंगा नहीं मनिया जांदियां तां जिहड़ा संघर्ष हैगा वो इस तो भी तेज होगा। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने 2 साल पहले MSP पर गारंटी का जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं किया। रेल रोको आंदोलन की एक तस्वीर अंबाला से भी सामने आई। यहां अभी तक आंदोलन से दूर चल रहे BKU ग्राहक गुट ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 4 घंटे तक ट्रेन रोककर सरकार को खुली चेतावनी दी। किसान नेताओं ने 2 टूक ये कह दिया कि सरकार दिल्ली जाने के लिए डटे किसानों को अकेला समझने की भूल ना करे। मोदी सरकार ललकारा मारने वास्ते हैं भी वो कल्ले नहीं हैगे, पूरे पंजाब दे लोग। किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर जमकर नारेबाजी की और सरकार से तानाशाही रवैया छोड़ने को कहा। प्रदर्शन के बीच एक किसान नेता का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिससे आंदोलन के पीछे साजिश की बू भी आ रही है। इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देता सुनाई देगा और उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि राम मंदिर की वजह से मोदी का ग्राफ काफी बढ़ गया है, जिसे किसी भी हाल में कम करना है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर, वो नुकसान वो इधर ग्राफ डाउन के भी आ सकता है। मैं बहुत बारी मजदूर हूँ, मैं पंडाल में चिप तैयारियां करूँगा फिर देखिए, बहुत बारी लोगों ने कहा था कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ होता बड़ा अच्छा है, दिन साढ़े पे थोड़े की ऐसी इन्हें थोड़े दिनों दे ग्राफ इधर डाउन कर लेंगे। हालांकि जी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासत जरूर गर्मा गई है। BJP ने चुनाव से ठीक पहले हो रहे किसानों के आंदोलन को चुनावी षड्यंत्र बता दिया, जिसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सामने आए। उन्होंने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि इस आंदोलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके, उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतंत्र तरीका नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर तल्ख पलटवार किया और आंदोलन को किसानों के हक से जोड़ा। द एजेंडा ऑफ फार्मर्स एजिटेशन इज एन एजेंडा फॉर लाइफ ऑफ दिस नेशन। इट्स एन एजेंडा ऑफ 72 करोड़ फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स। दिस एजेंडा इज नॉट गवर्न्ड बाय पॉलिटिक्स। पंजाब में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन तो चला ही, वहीं किसानों ने पूरे पंजाब में टोल फ्री भी करवा दिया। किसान नेता टोल प्लाजा पर जा पहुंचे और किसी से भी टोल नहीं लेने दिया, जिसकी एक तस्वीर पंजाब के बटाला से सामने आई, जहां सैकड़ों किसानों ने पहुंचकर धरना दिया और सभी गाड़ियों को टोल प्लाजा से फ्री में गुजरने दिया। टोल जिहड़े आ ओह 3 घंटे लई फ्री कीते गए पूरे पंजाब भर विच, इह रोस वजों कीते गए आ। सिर्फ बटाला में ही नहीं बल्कि पंजाब के होशियारपुर में भी किसान टोल को फ्री करवाने पहुंचे, जिसकी वजह से किसानों और टोल कर्मियों में बहस भी हुई, लेकिन किसान नहीं माने और उन्होंने टोल फ्री करवा दिया, जिसके बाद गाड़ियां बिना टोल के ही वहां से निकल गई। इस तरह भटिंडा चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी किसानों ने गाड़ियों को बिना टोल दिए ही जाने दिया। पंजाब में किसानों ने जमकर बवाल मचाया, तो वहीं दिल्ली कूच करने के लिए अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे किसान भी शांत नहीं दिखे। हरियाणा के जींद बॉर्डर पर डटे किसानों ने आज भी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से पंजाब दाता सिंह वाला बॉर्डर पर हालात बिगड़ गए। पुलिस ने किसानों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ये तो मेरे ऊपर आया था बिल्कुल, ये देखिए एक और आया, और ये लगातार दागे जा रहे हैं। अब जो है लगातार है कार्रवाई। पुलिस ने हर वो सख्त कदम उठाए जिससे वो किसानों को रोक सके, लेकिन किसान वहां से पीछे नहीं हटे और घंटों तक ये संघर्ष चलता रहा। लगातार है जो जहर फैलाया जाए, किसानों की आंखों में डाला जाए, तो उसे रोका जाए, लेकिन रुकेंगे आज नहीं। पंजाब दाता सिंह वाला बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टर कूच करने के लिए तैयार दिखे, लेकिन पुलिस ने किसी भी हाल में किसानों को रोके रखा और आगे नहीं बढ़ने दिया। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर का भी रहा। किसान दिल्ली जाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस को सख्त एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि पहले तो किसानों ने यहां धरना दिया, लेकिन जब वो दिल्ली जाने की जिद करने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि तब भी किसान शांत नहीं हुए। पुलिस एक एक किसान को पकड़ कर लाई और उन्हें बस में बैठाया, लेकिन तब भी कुछ किसान बस की खिड़की से निकलकर अपना विरोध जताते रहे। हालांकि हालात बिगड़ पाते उससे पहले ही पुलिस उन्हें गाजीपुर बॉर्डर से हटाकर तुरंत अपने साथ थाने ले गई। हालांकि दो दिन चले भीषण संघर्ष के बाद शंभू बॉर्डर पर आज शांति रही। किसानों ने अपनी मांगे तो दोहराई, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से होने वाली बातचीत को ध्यान में रखते हुए ज्यादा हंगामा नहीं किया और बुधवार के मुकाबले यहां शांति रही, क्योंकि किसानों की तरफ से बॉर्डर पार करने की ज्यादा कोशिशें नहीं की गई, इसलिए दूसरी तरफ तैनात पुलिस फोर्स ने भी कार्रवाई नहीं की। इस दौरान वहां एक पोस्टर भी दिखा जिसमें किसानों ने सुरक्षा बलों से नरमी दिखाने की अपील की। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती, ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की तरफ से सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें बीते दो रोज में हुई पुलिस कार्रवाई का किसान नेताओं ने विरोध किया, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली देश की राजधानी आज भी बंधक रही। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई, लेकिन कई इलाकों में जाम की वजह से छात्रों को दिक्कतें पेश आई, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में किलेबंदी की गई और बॉर्डर को सील कर दिया गया, इसलिए छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। छात्रों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, वो कड़ी मशक्कत के बाद ही परीक्षा देने पहुंच सके।
स्कूल के लिए ये सारी गाइडलाइंस जारी की गई है कि जितने भी बच्चे NCR के रीजन में रहते हैं, गाजियाबाद या नोएडा या इस साइड से और दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ते हैं, कि आपको पहले ही निकलना पड़ेगा। और किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली NCR में रहने वाले बच्चों को मेट्रो का इस्तेमाल करने को कहा गया ताकि उन्हें लंबे ट्रैफिक जाम से ना दोचार होना पड़े। दिल्ली को हरियाणा के सोनीपत से जोड़ने वाला सिंघू बॉर्डर इन दिनों मैक्सिको की सीमा में तब्दील हो गया है, क्योंकि जैसे लोग मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में घुसते हैं वैसे ही कामकाजी लोग इस समय सिंघू बॉर्डर को पार करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने गांव के रास्तों में 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा, जिसकी वजह से सोनीपत से दिल्ली और दिल्ली से सोनीपत आने जाने वालों को सिंघू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड पार करने पड़ रहे हैं। सरकार की लड़ाई ने देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर को अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर में तब्दील कर दिया है। तस्वीरों में आपको दिखाएं तो आप देखिए कि लोग किस तरह से दीवार को पार कर रहे हैं। ये सुरक्षा की दीवार दिल्ली पुलिस ने बनाई थी ताकि जो किसान प्रदर्शनकारी हैं वो अगर शंभू बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग सभी को कई लेयर का सुरक्षा घेरा पार करके ही दो वक्त की रोटी के लिए काम पर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग दफ्तर भी देरी से पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? पश्चिम बंगाल में TMC सांसद मिमी चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना त्याग पत्र सौंपा। उनका कहना है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में TMC के नेतृत्व से नाखुश है, इस वजह से उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया है। राज्य की एक अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद उनको रांची के होटवार जेल भेजा गया। इससे पहले हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में थे। ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति देने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके पहले न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दोनों पक्षों को सुना। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दे दिया, साथ ही इसके जरिए चंदा लेने पर भी तत्काल रोक लगा दी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है, इसके जरिए राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग का रास्ता खुला। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। SBI उन राजनीतिक दलों का ब्यौरा दे जिन्होंने साल 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किए। SBI राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे। SBI इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे। SBI सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे पब्लिश करे। The issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bonds. B. State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. The details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पर चाबुक चलाने के साथ इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट और लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को भी रद्द कर दिया। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला
सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं में एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीएम शामिल है। जया ठाकुर ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा है और हमारी मांगों को माना है और इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक हमारे संविधान पर खतरा था उसको रद्द किया है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस देश का सबसे बड़ा स्कैम करार देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है और मैं सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को किस तरीके से बीजेपी ने, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आई है, लेकिन कोर्ट ने सरकार की दलील को खारिज कर दिया और चुनावी बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। यही नहीं, अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा सकता है। दरअसल 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था, जबकि 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। स्टेट बैंक को KYC डिटेल देकर 1,000 से 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है। इसे खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में छूट भी मिलती है। ये बॉन्ड जारी करने के बाद 15 दिन तक मान्य रहते हैं। 15 दिन के अंदर इसे संबंधित पार्टी को चुनाव आयोग से वेरिफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवाना होता है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाला इसे अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। शर्त ये भी है कि उस पार्टी को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए। 2017 में अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये भी कहा था कि इससे ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी, जबकि दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों की दलील है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, लिहाजा ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि स्कीम को बड़े कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे कॉरपोरेट घराने बिना पहचान उजागर किए हुए जितना मर्जी उतना चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फायदा भी दिया होता। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फायदा नहीं करता। वैसे 13 मार्च तक पता चल जाएगा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, तो ये भी बहुत हद तक पता चल जाएगा कि इसके बदले किसने किसे और कितना फायदा पहुंचाया। अगर चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों को देखें तो 2018 से अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे अधिक चंदा बीजेपी को ही मिला है। वहीं इसके जरिए चंदा जुटाने के मामले में कांग्रेस और टीएमसी दूसरे और तीसरे नंबर पर है। पिछले 5 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करीब 5,272 करोड़ रुपए का चंदा मिला, वहीं कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को चंदे के तौर पर अब तक 768 करोड़ रुपए मिले। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाली पार्टियों में चौथे नंबर पर बीजेडी यानी बीजू जनता दल है, जिसे 622 करोड़ रुपए मिले। वहीं चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस 5वें नंबर पर है, जिसे 384 करोड़ रुपए मिले। चुनावी बॉन्ड रद्द किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बीजेपी को आज आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था, आज इस बात पर मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। वही कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बीजेपी के साथ साथ कॉरपोरेट घरानों को भी घेरते नजर आए। जहां तक मेरी जानकारी है
कि ये जितने कॉरपोरेट घराने हैं इन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाए हुए थे और वो ट्रस्ट्स के माध्यम से पैसा दिया गया है। तो बुनियादी बात तो ये है, वो जो ट्रस्ट हैं उनकी कॉरपोरेट वेल को उठा के उन ट्रस्ट के पीछे कौन लोग हैं ये जानने की जरूरत है। कांग्रेस के साथ साथ दूसरे विपक्षी दलों ने भी चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी तक ने इस फैसले को सही बताया। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को भ्रष्टाचार का माध्यम बताते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। जो दावा करके आते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी पार्टियों को अमल करना चाहिए। अवाम को मालूम होना चाहिए कि मनी पावर जो है वो कहां से आया और कितना मनी पावर है, ये जरूरी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही। बीजेपी ने कहा कि चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अगर भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने की गारंटी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, और भ्रष्टाचार का अगर गंदा नाला कोई है तो कांग्रेस और उसके समर्थक दल है। वही एनडीए में कुछ दिनों पहले ही दोबारा शामिल हुई जेडीयू के केसी त्यागी ने भी कांग्रेस को घेरने के साथ सुप्रीम फैसले का स्वागत किया। स्वतंत्र भारत में जो शासक दल राज्य में या केंद्र में होते हैं उनको जाहिर है कि अतिरिक्त चंदा देने का रिवाज लंबे समय से रहा है। पहले ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगते रहे, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले का अमल करेगा चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, ऐसी इच्छा और अपेक्षा हमारी है। जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार चला रही शिवसेना शिंदे गुट ने कहा कि सभी पार्टियों को सुप्रीम फैसले का अध्ययन करना होगा। मैं तो इतना फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जो भी पार्टीज है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा उन्होंने डोनेशन दिया है, मुझे लगता है वो सभी पार्टीज को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको स्टडी करना होगा और उसके बाद ही वो निर्णय दे सकते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के एक परिवार की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल पति पत्नी और उनके जुड़वा बच्चों के शव मिले हैं। पुलिस ने बताया कि गोली लगने से पति पत्नी की मौत हुई है। मौके से पिस्तौल और मैगजीन भी मिली है। पुलिस इस मामले की हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। रूस जल्द ही कैंसर की वैक्सीन मरीजों को मुहैया कराएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के वैज्ञानिक कैंसर के खिलाफ वैक्सीन बनाने के बहुत करीब है और वैक्सीन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसरो 17 फरवरी को देश का सबसे आधुनिक मौसम और डिजास्टर वार्निंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। सैटेलाइट का नाम इनसेट 3DS है। इसकी लॉन्चिंग GSLV-F14 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। असम के मोरीगांव जिले में जूट के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस के मुताबिक आग में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए फिर अच्छी खबर है, और टाटा मोटर्स और MG ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों के दाम में भारी कटौती की है, जिसके बाद आमतौर पर महंगी मानी जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों के दाम पेट्रोल और डीजल कारों के बराबर हो गए हैं। टाटा मोटर्स और MG ने बैटरी की कीमतों में आई कमी की वजह से इलेक्ट्रिक कारों के दाम घटाने का ऐलान कर दिया है। टाटा ने नेक्सॉन EV के दाम में 1,20,000 रुपए और टियागो EV के दाम 70,000 रुपए कम करने का ऐलान किया है। वहीं MG ने कॉमेट EV की कीमत 1,00,000 रुपए और अपनी इलेक्ट्रिक SUV GS की कीमत 3,00,000 रुपए कम करने का ऐलान कर दिया है। टाटा नेक्सॉन की बात करें तो अब नेक्सॉन EV के दाम पेट्रोल और डीजल वेरियंट के बराबर हो गए हैं। दिल्ली में नेक्सॉन पेट्रोल की ऑन रोड कीमत 14,20,000 है, जबकि डीजल वेरिएंट की कीमत 15,40,000 रुपए है, और अब कटौती के बाद नेक्सॉन EV की कीमत 15,10,000 रुपए हो गई है।
इलेक्ट्रिक कार चलने में बेहद किफायती है। नेक्सॉन का ही अगर उदाहरण लें तो आप एक साल में 15,000 किलोमीटर अगर गाड़ी चलाते हैं तो एक साल में पेट्रोल पर खर्च 1,20,000 रुपए आएगा, जबकि डीजल का खर्च करीब 96,000 आएगा। वहीं नेक्सॉन ईवी पर खर्च सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए आएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबुधाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने के बाद बुधवार की शाम कतर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यही नहीं, कतर के विदेश मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैकी पीएम मोदी को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। अल मुरैकी ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनकी अगवानी करते नजर आए। कतर की राजधानी दोहा में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी नजर आए, जिन्होंने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक तरीके से पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। इस दौरान लोग पीएम से हाथ मिलाने के लिए बेताब नजर आए। वहीं पीएम मोदी भी प्रवासी भारतीयों से मिलते और उनका अभिवादन स्वीकार करते दिखे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से हुई। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों और सहयोग को लेकर लंबी बातचीत की। इसके अलावा द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जबकि पीएम मोदी ने कतर के पीएम के साथ बातचीत के बाद एक्स पर पोस्ट कर बैठक को शानदार बताया। गौरतलब है कि कतर ने हाल ही में भारत के 8 पूर्व सैनिकों को जेल से रिहा किया है, जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। बाद में ये सजा कैद में तब्दील कर दी गई थी, जबकि कतर में भारत के पूर्व सैनिकों के मामले पर प्रधानमंत्री खुद भी नजर रख रहे थे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी कतर यात्रा है। इससे पहले वो 2016 में दोहा पहुंचे थे। दोनों देशों के बीच इस वक्त करीब 20 अरब डॉलर माफ कीजिए का कारोबार होता है। यही नहीं, कतर में करीब 8,00,000 भारतीय रहते हैं जो वहां के विकास में अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर यानी शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मिलने पहुंचे तो उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। इसके बाद पीएम मोदी और कतर के शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। आमतौर पर सफेद पैंट शर्ट में नजर आने वाले नौसेना के जवान जल्द ही अब कुर्ते पजामे में नजर आएंगे। हालांकि नौसेना के जवान कुर्ता पाजामा ड्यूटी पर नहीं पहनेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना के अफसर और जवान ऑफिसर्स मेस में अब कुर्ता पजामा और सदरी पहनकर जाएंगे। नौसेना ने ऑफिसर्स मेस के लिए ये नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है। वहीं महिला नौसैनिक कुर्ती और चूड़ीदार पजामा पहनकर मेस में जाएंगी। ड्रेस में इस बदलाव को गुलामी की मानसिकता से आजादी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये ड्रेस कोड युद्धपोत और पनडुब्बियों पर तैनात अफसरों और जवानों पर लागू नहीं होगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस ड्रेस कोड को आर्मी और एयरफोर्स के अधिकारी मेस पर भी लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नौसेना अफसरों और जवानों के पदों का भी भारतीयकरण करने पर विचार कर रही है। राज्यसभा की 56 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन अलग अलग सियासी दलों के कई बड़े नेताओं ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। इनमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे, जिन्होंने पार्टी से मिले इस मौके पर धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और पार्टी के 13 विधायक मौजूद थे। ओडिशा की 3 राज्यसभा सीटों में एक पर बीजेपी और 2 पर एनडीए में शामिल बीजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उधर गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। माना जा रहा है कि हिमाचल विधानसभा चुनाव में मिली हार की वजह से नड्डा को गुजरात से नामांकन दाखिल करना पड़ा। इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल समेत पार्टी के कई नेता वहां मौजूद रहे। उधर जयपुर में मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया ने राजस्थान से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वहां मौजूद सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने उन्हें बधाई दी। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले कई नेता ऐसे भी रहे जो कुछ दिन पहले ही पाला बदलकर दूसरे दल में शामिल हुए थे। इनमें शरद पवार को छोड़कर एनसीपी अमित अजीत पवार गुट में शामिल होने वाले प्रफुल्ल पटेल भी थे।
जिन्होंने महाराष्ट्र से अजीत पवार गुट की तरफ से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने अजीत पवार का धन्यवाद किया। अध्यक्ष अजीत पवार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस राज्यसभा की जगह के लिए मुझे काबिल समझा। वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण ने भी महाराष्ट्र से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया और उससे पहले सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में जाकर पूजा की। इस बीच साल 2004 से रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली सोनिया गांधी ने इस बार राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। इस फैसले पर सोनिया ने रायबरेली के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उम्र और सेहत की वजह से अब चुनाव नहीं लड़ूंगी, आपकी सेवा का सीधा अवसर नहीं मिलेगा, पर प्राण आपके हैं, मुश्किल में परिवार को आप संभालेंगे जैसे संभालते आए हैं, मैं जो कुछ हूँ वो आपकी बदौलत हूँ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 8 उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी का सियासी समीकरण हिला दिया है, जिससे अब समाजवादी पार्टी के 3 सीटें जीतने पर असर पड़ता दिख रहा है। बीजेपी ने यूपी में 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को मैदान में उतारा है, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने के साथ ही जीत का बड़ा दावा भी किया। नहीं, कोई पीछे नहीं रह रहे, हमारे पास पूरा संख्या बल है। पार्टी के कितने लोग संपर्क किसकी मदद मिल रही है? आरएलडी के अलग होने की वजह से समाजवादी पार्टी का समीकरण संख्या बल के हिसाब से फंसता दिख रहा है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत है। एनडीए के पास 288 वोट है, जिसमें से 7 प्रत्याशियों के लिए 259 वोटों की जरूरत है। इस लिहाज से बीजेपी के पास 29 अतिरिक्त वोट बचते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 2 और बीएसपी का 1 विधायक। समाजवादी पार्टी को 3 सीटें जीतने के लिए 111 विधायकों के वोट की जरूरत होगी, लेकिन एसपी को बीएसपी का वोट मिलने की संभावना ना के बराबर है। वहीं एसपी विधायक इरफान सोलंकी और पल्लवी पटेल के वोट डालने पर सस्पेंस है। माना जा रहा है कि विपक्ष के विधायक क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे पर संग्राम तेज होता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए विधानसभा से वॉकआउट किया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। बंगाल के बर्धमान और सिलीगुड़ी में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संदेश खाली घटना के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस वालों से झड़प भी हुई। वहीं संदेश खाली जा रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने एक पुलिस अधिकारी पर जूते से मारने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी पर भी उन्होंने पीएफआई और सिमी कार्यकर्ताओं को पनाह देने का आरोप लगाया। संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों के खिलाफ रेप और जमीन हड़पने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से बवाल जारी है। उसका पाँव का बूट से मुझे मारा, लेकिन मैं पुलिस का साथ हरकत नहीं करूंगा। ममता खुद क्या दिया है, रोहिंगा को घुसा रहा है। माइक नीचे करो, माइक नीचे करो। और कितना सिमी पीएफआई बंगाल में ममता की संरक्षण में उज्जवल भूमिका धरना, उज्जवल भूमिका धरना। ये ममता है देश विरोधी एंटी नेशनल, उसका खिलाफ यूपीए एक्ट चालू होना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली जनवरी के महीने में देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में देश के 254 प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली टॉप पर रही। 2024 के पहले महीने में दिल्ली में 3 दिन ऐसे रहे जब प्रदूषण खतरनाक कैटेगरी में दर्ज किया गया, जबकि बाकी के 27 दिन दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब कैटेगरी में रहा। जनवरी के महीने में दिल्ली का औसत AQI 354 दर्ज किया गया, यानी पूरे महीने दिल्ली की हवा बेहद खराब कैटेगरी की रही। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर बिहार का भागलपुर रहा, जबकि बिहार का सहरसा तीसरे, मेघालय का बर्निहाट चौथे और ग्रेटर नोएडा 5वें नंबर पर रहे। हवा में प्रदूषण को मापने के लिए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। AQI हवा में घुले धूल और धुएं के कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है। जब हवा में AQI का स्तर 0 से 50 होता है, तब हवा सांस लेने के लिए अच्छी मानी जाती है। जब AQI का स्तर 51 से 100 के बीच होता है, तो हवा संतोषजनक मानी जाती है। इसी तरह जब AQI का स्तर 101 से 200 के बीच होता है,
तो हवा औसत मानी जाती है। जब एक UI का स्तर 201 से 300 के बीच पहुंच जाता है तब हवा सांस लेने के लिहाज से खराब मानी जाती है। इसी तरह जब AQI का लेवल 301 से 400 के बीच होता है तो हवा को बेहद खराब माना जाता है। जब AQI का स्तर 401 से 500 के बीच होता है तब हवा खतरनाक हो जाती है और सांस लेने के लायक नहीं मानी जाती। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा खेल दिखाया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बना लिए थे। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सिर्फ 33 रन के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और रजत पाटीदार बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन चौथे विकेट के लिए रोहित शर्मा और रविंद्र जाडेजा ने 204 रनों की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से उबारा। कप्तान रोहित शर्मा ने 131 रन बनाए जबकि रविंद्र जाडेजा 110 के स्कोर पर नॉट आउट रहे। आज ही टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सरफराज खान ने 62 रन बनाए। हालांकि अच्छे फॉर्म में दिख रहे सरफराज दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज मार्क वुड ने 3 विकेट चटकाए। आज के मैच में सरफराज खान और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं।